हाँ जी, सनातन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमने हमारे पिछले लेक्चर्स तक फंक्शंस एंड देयर ग्राफिकल नेचर इस टॉपिक की स्टडी कर ली थी। अलग अलग प्रकार के फंक्शंस हमने उस टॉपिक के अंतर्गत बनाए थे और उन फंक्शंस की विशेषताओं का अध्ययन हमने हमारे पहले के दो लेक्चर्स में कर लिया है। ठीक है, आज का लेक्चर जो है वो कैलकुलस की शुरुआत है। हम यहाँ डिफरेंशियल कैलकुलस को शुरू करने जा रहे हैं अपने नए टॉपिक लिमिट के माध्यम से। सीमा जो आपका विषय है उसके माध्यम से आप जो सिलेबस में दिया गया कैलकुलस का पार्ट है उसकी शुरुआत करने जा रहे हो। पहला जो टॉपिक इसके अंतर्गत आता है वो है लिमिट। ठीक है, और अगर अपन एग्ज़ाम की बात करें तो तय बात है जितने पेपर आज तक हो चुके हैं सभी में कम से कम एक प्रश्न लिमिट वाले टॉपिक से ज़रूर आया है। हो सकता है आपको एक से ज़्यादा प्रश्न देखने को भी मिल जाएं, लेकिन चांसेस ज़्यादा इसी बात के हैं कि आपको एक प्रश्न यहाँ से देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, टॉपिक क्या है अपना? टॉपिक है अपना लिमिट, जिसे क्या कहते हैं हिंदी में अपन, जिसे हिंदी में अपन कहते हैं सीमा। ठीक है, क्लास की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह एक मोटिवेशनल थॉट के साथ, और आज का जो मोटिवेशनल थॉट है वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, और ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि ज़्यादा सोचना नहीं है। ठीक है, स्टॉप ओवरथिंकिंग। तैयारी करने वाले बच्चे में सबसे ज़्यादा जो चीज़ आती है निकल के वो आती है ओवरथिंकिंग। कई बार वो सोचता है बच्चा मैंने एग्ज़ाम दे दी, मेरा रिजल्ट कैसा आएगा। ठीक है, रिजल्ट अच्छा आएगा या नहीं आएगा, आरपीएससी ने या फिर किसी भी संस्था ने जिस संस्था के अधीन आपने परीक्षा दी है उस संस्था के बारे में आप बहुत सारी बातें सुनते रहते होंगे, आंसर कीज़ के बारे में, पेपर लीक हो गया इस बारे में, पता नहीं कैसी कैसी बातें निकल के आती है। बच्चा सोच सोच के अपने ऊपर दबाव बढ़ाता रहता है और ये दबाव अंततः उसको असफल बनाने में सबसे बड़ा कारक बन जाता है। तो हमें तैयारी करने से पहले, शुरू करने से पहले ही दुनिया के लिए अपने कान और आँख दोनों ही बंद कर लेने हैं। आपको सुनना ही नहीं है अलग अलग प्रकार के व्हाट्सएप ग्रुप्स में क्या चल रहा है, अलग अलग प्रकार के सोशल मीडिया नेटवर्क्स में क्या चल रहा है, कुछ नहीं सुनना। एक ही ध्येय, एक ही लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य ये है कि जिस परीक्षा के लिए आप अपने आप को तैयार कर रहे हो मेंटली पहले उसके लिए तैयार हो जाओ कि आपको ये परीक्षा देनी है। और इसका सबसे शानदार जरिया जो है वो है ओवरथिंकिंग को बिल्कुल बंद कर दो। स्टॉप ओवरथिंकिंग। क्यों क्यों बंद कर दे भाई ओवरथिंकिंग को? इसलिए बंद कर दें, यू आर ओनली क्रिएटिंग द प्रॉब्लम्स दैट आर नॉट एक्चुअली देयर। कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जो वास्तव में होती नहीं है, लेकिन अपने दिमाग में ज़्यादा सोच सोच के हमने उन समस्याओं को क्रिएट कर लिया होता है। हम हमारे चारों तरफ एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर लेते हैं जो हमें बार बार दबाव में आने के लिए मजबूर करता रहता है। तो इस दबाव से छुट्टी पाना है सबसे पहले ही। ओवरथिंकिंग में जाना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है हद से ज़्यादा। सोचना सिर्फ एक बात है कि मेरे को अपनी मेहनत करनी है, मेरे को अपना काम करना है, उसके बाद परीक्षा कैसी होगी जैसी होगी वैसी हो जाएगी, रिजल्ट कैसा आएगा जैसा आना है वैसा आ जाएगा। आपकी मेहनत जो है, आपका जो कठोर परिश्रम है वो आपके परिणाम में निश्चित रूप से झलकेगा, ये बात आप तय मान के चल लीजिए। ठीक है, बहुत सारी बातें उड़ती हैं कंपटीशन एग्जाम्स को लेकर, खासकर राजस्थान के इन कुछ सालों में बहुत सारी बातें उठी हैं, आपको उन बातों पर गौर करना ही नहीं है। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे सोचते रहते हैं कि सर मैं कैसे पढ़ पाऊँगा, वहाँ तो ऐसा माहौल है। ठीक है, मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता उस माहौल पर, लेकिन ऐसा बच्चे अमूमन सोचते रहते हैं। नहीं, जाना ही नहीं है बेटा जी इस बातों पर, इन बातों को करना ही नहीं अपने को। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत का खाने पर विश्वास करो, इसके अलावा किसी का ही विश्वास मत करो। ओवरथिंकिंग बिल्कुल बंद कर दो, सोचो ही मत। ठीक है, चलो जी शुरू करते हैं टॉपिक लिमिट सीमा। डेफिनेशन से अपन शुरुआत करेंगे, सीमा की परिभाषा से शुरू करेंगे, लिमिट कहते कैसे हैं इस बात से अपन शुरू करेंगे। आपको ध्यान होगा जब आपने लिमिट टॉपिक पढ़ना शुरू किया था तब दो मैथमेटिशियन हैं, कुसी की डेफिनेशन आती है, एक हैनी की डेफिनेशन आती है। मैंने दोनों ही परिभाषाएं आपके लिए लिखी हुई हैं, इन दोनों परिभाषाओं को पहले अपन समझते हैं कि क्या ये परिभाषा कहना चाह रही है। मैंने यहाँ तो केवल प्रेजेंटेशन लिख के दिया आपको, प्रेजेंटेशन क्या लिख के दिया है, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एल। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है इसको हम देखेंगे। दूसरा मैंने लिख के दिया है जीरो ग्रेटर देन मोड ऑफ एक्स माइनस ए, लेस देन जीरो लेस देन मोड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा इंप्लाइज एफ एक्स माइनस एल का मॉडुलस वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इसको अपन समझते हैं। देखो
ऐसा मान लीजिए एक फंक्शन आपको दिया गया है रियल नंबर टू रियल नंबर, आर टू आर, डोमेन भी क्या है रियल नंबर है और कोडोमेन भी क्या है रियल नंबर है। डोमेन में कोई एक पॉइंट है, डोमेन में कोई एक पॉइंट है ए, ये जो लिमिट एक्सटेंस टू ए में ए जो है ना, ये आपका प्रांत का कोई ना कोई बिंदु है जिसे आपने किससे मार्क कर दिया, ए से मार्क कर दिया। अब क्या होना चाहिए, देखो इस प्रांत में एक ऐसा सीक्वेंस बनना चाहिए, इस प्रांत में क्या बनना चाहिए, एक ऐसा सीक्वेंस एक्स एन बनना चाहिए, अनुक्रम है सीक्वेंस है ना, एक ऐसा अनुक्रम, एक ऐसा सीक्वेंस डोमेन में बनना चाहिए जो किसकी ओर कन्वर्ज हो रहा है, ए की ओर कन्वर्ज हो रहा है, किसकी तरफ अग्रसर है, ए की तरफ अग्रसर है। अब मेरे पास अनंत बिंदु हो गए हैं इस सीक्वेंस के, एक्स वन एक्स टू एक्स एन क्या है, अनंत बिंदु हैं इस अनुक्रम में आने वाले, और यह अनुक्रम एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, अभिसारी अनुक्रम है जो किसकी तरफ अभिसारी हो रहा है, ए की तरफ अभिसारी हो रहा है। ये लिमिट एक्सटेंस टू ए का मतलब है, मतलब केवल जो लिमिट एक्सटेंस टू है ना उसका मतलब क्या है, मैंने आपको बताया है कि डोमेन में एक ऐसा सीक्वेंस मौजूद है जो किसकी तरफ अग्रसर हो रहा है, ए की तरफ अग्रसर हो रहा है। ये तो केवल डोमेन वाले बात बात हो गई। अब फंक्शन तो अपना काम करेगा ना, आपने कहा है कि एक फंक्शन है आर टू आर, तो वो फंक्शन अपना काम करेगा। फलन की परिभाषा क्या होती है कि फलन प्रांत में स्थित प्रत्येक बिंदु का प्रतिबिंब बनाता है, इमेज बनाता है डोमेन के हर एलिमेंट की, तो फिर वो एक्स वन की भी इमेज बनाएगा, एक्स वन की इमेज बन जाएगा एफ ऑफ एक्स वन, एक्स टू की भी वो कोई ना कोई इमेज क्रिएट करेगा, जो एक्स टू की इमेज आएगी वो आ जाएगी एफ ऑफ एक्स टू, ठीक ऐसे ही एक्स थ्री की भी कोई ना कोई इमेज क्रिएट करेगा वो आ जाएगी एफ ऑफ एक्स थ्री, ऐसे ही एक्स एन की जो इमेज आएगी वो आएगी एफ ऑफ एक्स एन। आपने जो सीक्वेंस लिया था किसमें, डोमेन में जो सीक्वेंस लिया था, उस सीक्वेंस के हर एलिमेंट की इमेज के रूप में आपको एक नया सीक्वेंस और मिल गया। अब ये जो नया सीक्वेंस मिला है वो है आपको एफ ऑफ एक्स एन नाम से एक नया सीक्वेंस मिल गया, जो कि प्रांत में उपस्थित सीक्वेंस के एलिमेंट्स की इमेज ही है कोडोमेन में, यानी कि ये जो सीक्वेंस है ना ये कोडोमेन में है, ठीक है। ये सीक्वेंस भी किसी न किसी राशि की तरफ अग्रसर होगा, ये जिस राशि की तरफ अग्रसर होगा, ये जिस राशि की तरफ अग्रसर होगा वही राशि ही क्या कहलाती है, सीमा कहलाती है, लिमिट कहलाती है, ठीक है। एक बहुत साधारण सी बात मैं आपको यहां बताता हूं, लिमिट कोडोमेन का हिस्सा है, डोमेन का नहीं है। फंक्शन, किसी फंक्शन की आप लिमिट निकाल रहे हो ना, इसका मतलब परिणाम जो होगा रेंज सेट में मिलेगा या कोडोमेन में मिलेगा, आपको ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। सह प्रांत का अनुक्रम, कोडोमेन का सीक्वेंस जिस फाइनाइट वैल्यू की तरफ क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, वो फाइनाइट वैल्यू क्या कहलाती है, लिमिट कहलाती है। ये डेफिनेशन है किसकी, ये डेफिनेशन है आपकी लिमिट की परिभाषा। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। मैंने आपको सिर्फ इतना समझाया है, लिमिट एक्सटेंस टू ए का मतलब है प्रांत में एक अनुक्रम है जो ए की तरफ अग्रसर है, लिमिट एक्सटेंस टू ए एफ एक्स बराबर एल का मतलब है सह प्रांत का अनुक्रम किसकी तरफ अग्रसर है, एल की तरफ अग्रसर है, क्लियर है बात। अब इसी प्रकार यहां देखते हैं, देखो ये क्या लिखा हुआ है, इसको गौर से देखना आप, ये लिखा हुआ है जीरो इज लेस देन मोड ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। एक बात देखना कि एक्स माइनस ए है ना वो बड़ा है किससे, जीरो से, मॉड्यूलस वैल्यू ऑब्वियसली जीरो से बड़ी आएगी, लेकिन मैं यहां जो मुख्य बात बताना चाह रहा हूं वो है कि x माइनस ए बराबर नहीं है जीरो के, x माइनस ए की मॉडुलस वैल्यू जीरो के बराबर होने का मतलब है x खुद a के बराबर है, लेकिन x माइनस ए का मॉडुलस मान ग्रेटर देन जीरो होने का मतलब यहां इतने से ये मतलब है कि x इज नॉट इक्वल टू a, क्योंकि अगर वो x a के बराबर हो जाएगा तो फिर तो वो जो मॉडुलस वैल्यू वो जीरो हो जाएगी, ए माइनस ए ही बन जाएगा ना, ए माइनस ए, ए माइनस ए होते तो जीरो गया। ये तो कह रहा है कि जीरो नहीं है, बड़ा है जीरो से, जीरो से बड़ा है, इसका मतलब ए के बराबर नहीं है, या तो वो ए से छोटा है या तो फिर वो ए से बड़ा है, ए के बराबर नहीं है वो। अब आ जाओ इस इतने इतने मुद्दे पर, ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि मोड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल है, इसका मतलब एक्स बिलोंग किसको करता है, ए माइनस डेल से लेके ए प्लस डेल तक का क्या है, एक ओपन इंटरवल है। आप ध्यान रखो x बिलोंग करता है a माइनस डेल, इसको प्लस माइनस में तोड़ लेंगे ना अपन, मॉडुलस ब्रेक करना बताया था आपको मैंने ग्राफ में भी, तो ये हो जाएगा a माइनस डेल से लेके a प्लस डेल तक का, लेकिन इसमें कोण नहीं है, ध्यान रखना a माइनस डेल और a प्लस डेल के बीच तो a आएगा, x इस प्रांत को बिलोंग करता है लेकिन a के बराबर नहीं है, इसका मतलब इसमें कोण नहीं है, a नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे लिमिट एक्सटेंस टू a का मतलब समझते हैं x बराबर a,
लिमिट एक्स टेंस टू ए का मतलब समझते हैं एक्स बराबर ए, लेकिन एक्चुअल में एक्स बराबर ए के है ही नहीं। वो ए से पहले के कुछ मान हो सकते हैं, वो ए के बाद के कुछ मान हो सकते हैं, लेकिन वो किसके बराबर नहीं है, ए के बराबर नहीं है। यहाँ एक्स एक ओपन इंटरवल को बिलोंग करता है, दैट ओपन इंटरवल इज ए माइनस डेल टू ए प्लस डेल, बट इट डज नॉट कंटेन ए। तो एफ एक्स माइनस एल लेस देन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा। मतलब एफ एक्स किस रेंज में आएगा, एफ एक्स आ जाएगा आपकी एल माइनस एप्सिलॉन टू एल प्लस एप्सिलॉन की रेंज में आ जाएगा। ठीक है, ये जो L है ये L क्या कहलाती है, ये L कहलाती है सीमा, लिमिट कहलाती है। यहाँ डेल और एप्सिलॉन प्रकार की राशियाँ आई हैं, दोनों की दोनों ही राशियाँ क्या होती हैं, धनात्मक राशियाँ होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर होता है, डिजायर्ड एक्यूरेसी तक का छोटा। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो निकल के आती है वो ये है कि ये जो एप्सिलॉन होता है ना, ये डेल पर डिपेंड करता है, इस पर निर्भर करता है, डेल पर निर्भर होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ये परिभाषा दी जाती है किसकी, सीमा की परिभाषा दी जाती है। दोनों परिभाषा मैंने आपको बता दी है, दो परिभाषाएं, दो मैथमेटिशियन मैंने आपको बताए थे। एक परिभाषा किसने दी थी, कुसी ने, और एक परिभाषा किसने दी थी, हेनी ने। ठीक है, अब यहां आते हैं एक मुख्य बात पर, सबसे महत्वपूर्ण बात पर एक और आते हैं। ये जो लिमिट है ना, ये हमेशा एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए, यूनिक वैल्यू, यानी कि अद्वितीय मान होना चाहिए। इसका मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि जो कोडोमेन का सीक्वेंस है वो दो या दो से ज्यादा किसी किन्हीं मानों पर अग्रसर हो जाए, ये वैल्यू यूनिक होनी चाहिए। कन्वर्जेंस की जब अपन परिभाषा पढ़ते हैं तो कन्वर्जेंस की परिभाषा में यही बात है कि कन्वर्जेंस हमेशा ही एक यूनिट पॉइंट की तरफ ही होता है, यूनिक पॉइंट की तरफ ही होगा। अगर दो पॉइंट की तरफ कन्वर्ज हो गया और दोनों फाइनाइट है तो ऑस्किलेटरी हो गया वो, तो है ना, फाइनाइट ऑस्किलेटरी। इनफाइनाइट की तरफ कन्वर्ज हो गया तो डाइवर्जेंट हो गया वो, भाई बात है समझ में। तो एल जो है वो यूनिक वैल्यू होती है, सीमा कभी भी दो मान लेके आती नहीं है। किसी भी फंक्शन का लिमिट निकालोगे तो एक ही मान आएगा, अब वो चाहे आए कुछ भी पर आएगी एक यूनिक वैल्यू। ठीक है, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस पर भी आप गौर करना। दूसरा एक बात और बता देता हूँ, चूंकि कोडोमेन भी रियल नंबर है ना, इसका मतलब ऐसा भी कभी नहीं होगा कि एक रियल वैल्यूड फंक्शन की लिमिट जो होगी ना, एक रियल वैल्यूड फंक्शन की लिमिट एक इमेजिनरी वैल्यू हो जाए, ऐसा भी नहीं होगा। लिमिट हमेशा ही कैसा मान ही होगी, वास्तविक संख्या ही होगी, बशर्ते कि फंक्शन आपका रियल वैल्यूड है। फंक्शन ही अगर कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है तो लिमिट भी कॉम्प्लेक्स आ सकती है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है, ये तो सीमा की परिभाषा है, खाली डेफिनेशन है। अब आ जाते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पर, सीमा का अस्तित्व कैसे होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट को कैसे डिफाइन करते हैं, इस पर अपन बात करेंगे। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है, टॉपिक का नाम है सीमा का अस्तित्व। अब यहां आपको एक बात नोटिस करनी है, खाली सीमा के अस्तित्व में अपन कैसे समझेंगे चीजों को। देखो, मान लीजिए आपकी ये रियल नंबर लाइन है, रियल नंबर लाइन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट है ना, और यहां कोई पॉइंट है आपका ए। अब आपसे ये कहा जाए कि भैया जी आपको रहना तो इस लाइन पर ही है, आप इस लाइन से ऊपर नीचे कहीं जा नहीं सकते हो, मतलब आप जिस भी बिंदु का चयन करोगे वो बिंदु आना किस पर ही चाहिए, इस रियल नंबर लाइन पर ही आना चाहिए, बाहर नहीं जा सकते आप। इस रेखा पर रहते हुए आपको इस पॉइंट ए तक अप्रोच करना है, ए तक जाना है, आपको रेखा छोड़ के नहीं जानी है। इस पर रहते हुए आपको कहां तक अप्रोच करना है, ए तक अप्रोच करना है, तब आप ए तक कितने तरीकों से पहुंच सकते हो वो तरीके ढूंढ के लाओ। कोई भी सामान्य सा बच्चा भी ये बता देगा कि अगर मुझे रेखा पर रहते हुए ही ए तक आना है ना, तो फिर दो ही तरीके हैं, या तो मैं ए से चल के बाईं तरफ से चल के ए पर आ जाऊं, या फिर मैं दाईं तरफ से चल के किस पर आ जाऊं, ए पर आ जाऊं, और कोई तरीका नहीं है। मैं ऐसे ए पर नहीं आ सकता उड़ के, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे शर्त पहले से ही दे दी गई थी कि रेखा पर रहते हुए किस पर आना है, आपको ए पर आना है। ठीक है, तो फिर आपके मार्ग में दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, एक तो बाईं तरफ से ए पर आना और एक दाईं तरफ से ए पर आना। अच्छा, ए के जितने भी बिंदु बाईं ओर स्थित हैं वो सब क्या हैं, वो सब ए माइनस एच से रिप्रेजेंट किए जाएंगे, और ए के जितने भी बिंदु दाईं ओर स्थित है चूंकि वो ए से बड़े हैं इसलिए किससे रिप्रेजेंट किए जाएंगे, ए प्लस एच से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। एच कितना भी बड़ा हो सकता है, जितना बड़ा बिंदु आपको चाहिए वहां तक चले जाओ आप, मैं अभी केवल रस्तों की बात कर रहा हूं। लेकिन आपसे अगर मैं ये कहूं कि इस ए के बिल्कुल नजदीक जो दो पॉइंट है, मैं डिफरेंट कलर से मार्क कर देता हूं, इस ए के बिल्कुल नजदीक जो दो पॉइंट है, बिल्कुल नजदीक,
ये येलो कलर से मैंने यहाँ मार्क कर दिया और यहाँ मार्क कर दिया ना, ये दो पॉइंट मैंने यहाँ मार्क किए हैं, इस रेखा पर ही हैं, बाहर मैंने कुछ मार्किंग करी नहीं है। इस रेखा पर दो बिंदु मैंने ले लिए, एक बिंदु ए के बिल्कुल नजदीक बाई तरफ है और एक बिंदु ए के बिल्कुल नजदीक दाई तरफ है। जो ए के बिल्कुल नजदीक बाई तरफ वाला बिंदु है वो किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ए माइनस एच से, और जो दाई तरफ वाला बिंदु है वो किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ए प्लस एच से। अभी तक तो मैंने कहा था कि एच कितना भी बड़ा हो सकता है क्योंकि अब तक तो मैं कहां भी जा रहा था, लेकिन अब चूंकि मैंने ये कह दिया कि बिल्कुल नजदीक, इसका मतलब अब जो मेरा एच है ना वो बहुत छोटा है, टेंस टू जीरो है, एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो नहीं है। इफ ए इज एच इज एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो तो ए माइनस एच तो फिर ए ही हो जाएगा ना, बिल्कुल नजदीक का बिंदु थोड़ी होगा, खुद ए ही हो जाएगा, और ए प्लस एच भी खुद ए ही हो जाएगा अगर एच जीरो जाएगा तो जीरो नहीं है लेकिन बहुत छोटा है, डिजायर्ड एक्यूरेसी तक का छोटा, 0.0000 बहुत लंबा है ना। अब मेरे पास क्या हो गया, अब मेरे पास एक इंटरवल आ गया, इंटरवल कौन सा आ गया, ए माइनस एच और ए प्लस एच का मेरे पास एक इंटरवल आ गया। ध्यान रहे इस इंटरवल में किसको नहीं लेना है, ये वही वाली बात आ गई ना, ए को नहीं लेना है। अब दो बिंदु हैं, एक तो ए माइनस एच और एक ए प्लस एच, इस पर भी फंक्शन की वैल्यू ज्ञात करो, एफ ऑफ ए माइनस एच निकाल लो, और दूसरे पर भी फंक्शन की वैल्यू ज्ञात करो, एफ ऑफ ए प्लस एच भी निकाल लो। आपने किसका मान निकालना है, आपने जो फंक्शन दिया गया है जिसकी लिमिट का एग्जिस्टेंस आपको चेक करना है उस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है इस ओपन इंटरवल के दोनों बाउंड्री पॉइंट्स पर, ए माइनस एच बाउंड्री पॉइंट है लेफ्ट हैंड साइड वाला और ए प्लस एच बाउंड्री पॉइंट है राइट हैंड साइड वाला। फंक्शन का मान निकाल लिया, इस पर लिमिट लगा देनी है आपको एच टेंस टू जीरो, इस पर भी लिमिट लगा देनी है आपको एच टेंस टू जीरो। अब आपके पास दो वैल्यूज आएंगी, ये फलन का मान है, ये फलन का मान है उस बिंदु पर जो ए के ठीक बगल में बाईं ओर स्थित है, ये कहलाती है बाई सीमा, क्या कहलाती है, बाई सीमा। ये फंक्शन का मान है उस बिंदु पर जो ए के ठीक बगल में दाईं तरफ स्थित है, राइट हैंड साइड में है, ये कहलाती है आपकी क्या, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच, ये कहलाती है आपकी दाईं सीमा, राइट हैंड साइड लिमिट। ठीक है, तो कुल मिला के कितनी लिमिट हो गई, दो लिमिट हो गई, एक कहलाती है लेफ्ट हैंड साइड लिमिट जिसको लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच से लिखते हैं, या फिर इसी का दूसरा प्रेजेंटेशन है लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स, एक ही बात है कोई सा भी लिख दो। और दूसरी कहलाती है राइट हैंड साइड लिमिट या राइट हैंड लिमिट, उसका प्रेजेंटेशन है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच, इसी को अपन किससे भी व्यक्त करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों प्रेजेंटेशन हो गए। अब आओ बात काम की समझो, यहाँ पे आप एक ग्राफ देखना ना अच्छे से, मैंने एक कर्व बनाया देन मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना दी, ठीक है, और ये जो पॉइंट है ना इस पॉइंट को मैंने कह दिया है कि ये है x बराबर a। अब कुछ प्रश्न है छोटे छोटे से, x बराबर a आपने देख लिया, जहां ये कर्व और जहां स्ट्रेट लाइन आपस में मिल रही है ना वो पॉइंट मैंने ले लिया है x बराबर a। मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, प्रश्न ये है कि a के जो बाईं ओर बिंदु स्थित है वो किस पर आएगा, ए के जो लेफ्ट हैंड साइड में पॉइंट है यानी कि ए माइनस एच है वो कर्व पर आएगा या स्ट्रेट लाइन पर आएगा, तो आपका जवाब होगा कि भैया जी ये तो वक्र पर आएगा, कर्व पर आएगा, और ए के ठीक राइट हैंड साइड में जो पॉइंट है वो पक्का इस स्ट्रेट लाइन पर चला जाएगा, क्योंकि ए प्लस एच इस वक्र का और रेखा का मिलन बिंदु, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है ना वो है ये, तो ए के बगल में लेफ्ट हैंड साइड जाते ही तो कर्व आ जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा कर्व, और राइट हैंड साइड में जाते ही कौन आ जाएगा, राइट हैंड साइड में जाते ही ये सरल रेखा आ जाएगी, ऐसा ही तो होगा ना। इसका ये मतलब हुआ कि जब मैं बाई सीमा निकालूंगा, जब मैं कैसी सीमा निकालूंगा, जब मैं बाई सीमा निकालूंगा तो वो इस वक्र से ज्ञात होगी, मतलब ये जो भी कर्व का इक्वेशन होगा उसमें रख के ज्ञात की जाएगी, और जब मैं दाई सीमा निकालूंगा राइट हैंड साइड की लिमिट निकालूंगा तो तय बात है कि ये किस पर रख के ज्ञात की जाएगी, स्ट्रेट लाइन की जो भी इक्वेशन होगी उसमें रख के ज्ञात की जाएगी। तो आपका दिमाग तुरंत खनकना चाहिए कि देखो कि लेफ्ट हैंड साइड तो आ रही ही कर्व से, भी कर्व का इक्वेशन होगा, मान लीजिए कि ये पैराबोला है तो पैराबोला से आएगी, मान लीजिए कि सर्कल है तो सर्कल, ये कोई और क्यूबिक कर्व है, चार घात का, पांच घात का, कितने भी घात का वक्र हो सकता है, लेकिन आएगी तो बाईं सीमा तो उस वक्र से आएगी ना, दाईं सीमा तो उस सरल रेखा से आएगी। तो यहां तो फिर आपके दिमाग में चीजें घूमेंगी, आपके दिमाग में पहला डाउट तो ये आएगा कि चूंकि दोनों सीमाएं जिनको क्रमशः बाईं और दाईं सीमाएं कहा जा रहा है वो अलग अलग जगहों से निकल रही है, एक
तो बाई सीमा तो वक्र की समीकरण में रख के ज्ञात की जाएगी और दाई सीमा सरल रेखा की समीकरण में ज्ञात की जाएगी। जब ऐसी बात आपके दिमाग में आ जाएगा तो फिर एक बात और आएगी, क्या हो सकता है दोनों अलग अलग आए, क्योंकि दोनों इक्वेशन अलग अलग है। इसका मतलब हो सकता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या आ जाए, दोनों अलग अलग आ जाए, असमान आ जाए, पॉसिबली आ जाए, क्योंकि कर्व है एक तो एक साइड रेखा है, जब दोनों साइड चीजें ही अलग अलग हैं तो मान अलग अलग ही आ सकता है, प्रोबेबली है ना। अगर ऐसा हो जाए इन केस कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों आपस में बराबर नहीं आ रही हैं, तो हम कहेंगे कि सीमा अस्तित्व में नहीं है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा अपन कहेंगे। लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, साथ ही साथ यूनिकली एग्जिस्ट कर रही है, यूनिक भी आनी चाहिए, फाइनाइट भी आ रही है, यूनिक भी आ रही है, कौन से लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो हम कहेंगे बाई सीमा का अस्तित्व तो है। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट फाइनाइट भी आ रही है और यूनिक भी आ रही है, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे दाई सीमा तो अस्तित्व में है। लेकिन अगर साथ ही साथ इन दोनों के साथ साथ लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर भी आ रही है किसके, राइट हैंड लिमिट के बराबर भी आ रही है, तो हम कहेंगे सीमा अस्तित्व में है। मतलब तीन बात, चार बातें हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है, ये तो कब होगा, जब केवल हम इसका मान ज्ञात करें, लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच का मान ज्ञात करें, और वह मान क्या है, वह मान फाइनाइट आए, यूनिक आए, तब केवल लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। हम कहेंगे कि राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है कब, जब हम केवल इसका मान ज्ञात करें, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच का मान ज्ञात करें, और वह फाइनाइट आ जाए और यूनिक आ जाए, तो केवल राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन हम कहेंगे कि सीमा अस्तित्व में है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, वो हम तब कहेंगे जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में क्या आ जाए, बराबर आ जाए। बराबर आएगी तो ऑब्वियसली बात है फिर वो यूनिक भी हो जाएगी अपने आप ही, और ऑब्वियसली बात है कि वो कैसी भी हो जाएगी, फाइनाइट भी हो जाएगी। तो कोई आपसे पूछे कि किसी फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, आपको कहना कि मुझे उस पर्टिकुलर पॉइंट पर पहले लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, वो दोनों सीमाएं अलग अलग फाइनाइट और यूनिक होनी चाहिए, और आपस में क्या भी आनी चाहिए, बराबर भी आनी चाहिए, तब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। ये है सीमा का अस्तित्व। अच्छा, डाउट कब होगा आपको कि किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, वो डाउट आपको तब होगा जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर फंक्शन अपना नेचर चेंज करे, फंक्शन क्या बदले, अपनी प्रवृत्ति बदले। जैसे यहां इस बिंदु पर फलन ने अपनी प्रवृत्ति बदली है, प्रवृत्ति बदलने से मेरा तात्पर्य क्या है, इस बिंदु से पहले वह किसी वक्र पर चल रहा था, इस बिंदु के बाद वह किसी सरल रेखा पर चलने लग गया, यहां उसका नेचर चेंज हो गया। अगर इस बिंदु पर प्रवृत्ति नहीं बदलती तो वो इसी वक्र पर चलता रहता, क्या दिक्कत आ रही थी भाई, आपको जयपुर जाना है, मान लीजिए आपको किसी अपने घर से जयपुर की तरफ जाना है, तो एक तो रास्ता सीधा सीधा जा रहा है, आप उस पर चले जाओ, एक रास्ता ऐसा कि चलो आप किसी दूसरे कॉर्नर पर जाओ और फिर वापस घूम के जयपुर जाओ, तो नेचर नहीं चेंज हुआ गया। मतलब एक डायरेक्ट पाथ को छोड़कर, या पहले जिस पाथ पर अग्रसर हो रहा था उस पथ को तो छोड़ दिया, दूसरे पर चल पड़ा, तो ऐसा कोई पॉइंट अगर कर्व पर एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो वहां उस फंक्शन ने अपना नेचर बदला है, और जहां कोई फंक्शन अपना नेचर बदलता है ना, वहां हमें जरूर किसकी जांच करनी चाहिए, सीमा के अस्तित्व की जांच करनी चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट को हमें चेक करना चाहिए कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी भी या नहीं करेगी। कब वह लिमिट एग्जिस्ट करेगी, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों फाइनाइट और यूनिक हो और दोनों आपस में बराबर भी, ठीक है, आगे बात समझ में। आप ऑर्डर में नोट्स बनाते रहोगे, जो बात मैं यहां लिख रहा हूं ना, समझाने के लिए लिख रहा हूं आपको, पर आप जब नोट्स बनाओगे तो क्रमबद्धता रखनी है आपको। चलो आगे चलते, आगे आ गया एक प्रश्न, पहले ये वाला प्रश्न करते हैं, बाद में करेंगे बाकी दोनों ना। क्या बोल रहा है, चेक द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ऑफ दिस फंक्शन, एक फंक्शन आपको दिया गया है, उस फंक्शन की क्या करनी है आपको, लिमिट के एग्जिस्टेंस की जांच करनी है, लिमिट एग्जिस्ट उसकी कर रही है या नहीं कर रही, इस बात की आपको जांच करनी है। फंक्शन क्या दिया है, मैंने आपको कहा ना कि फंक्शन कोई अगर अपना नेचर बदले तो डाउट करना है उस पर। फंक्शन क्या दिया गया है, ये फंक्शन बराबर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर के, कब, जब 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स,
इज लेस देन इक्वल टू वन, मतलब फंक्शन जब जीरो से लेके वन तक जा रहा है, फंक्शन जब कहां से कहां तक जा रहा है, जीरो से लेके वन तक जा रहा है, तो वो किसको फॉलो कर रहा है, वन प्लस एक्स स्क्वायर को फॉलो कर रहा है। ये अपनी रियल नंबर लाइन है ना, यहां जीरो होगा और यहां वन होगा, जीरो से वन तक जाते जाते यहां वो वन प्लस एक्स स्क्वायर वाले इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, जीरो पर भी कर रहा है और वन पर भी कर रहा है। लेकिन जैसे ही वन से बड़ा कोई मान आ गया, अब उसने अपना नेचर चेंज कर लिया, अब ये टू माइनस एक्स को फॉलो कर रहा है। वाई बराबर वन प्लस एक्स स्क्वायर जो होगा वो पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा, और वाई बराबर टू माइनस एक्स है वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब वन से ठीक पहले तक तो ये पैराबोला पर है, और वन के बाद ये किस पर चढ़ लिया, स्ट्रेट लाइन पर हो लिया। इसका मतलब नेचर बदल गया। किस पॉइंट पर उसने अपना नेचर बदला है, उसने अपना नेचर बदला है एट एक्स इज इक्वल टू वन, और एक्स बराबर वन पर चूंकि ये अपना नेचर बदल रहा है, इसलिए मेरा पहला दायित्व ये बनता है कि मैं किसकी जांच करूं, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की जांच करूं, कहां पर जांच करूं, एट एक्स इज इक्वल टू वन। आई बात समझ में? चलो हम एक्स बराबर वन पर किसकी जांच करेंगे, अब सीमा के अस्तित्व की जांच करेंगे। सीमा के अस्तित्व की जांच करने के लिए सबसे पहला काम अपन क्या करते हैं, सबसे पहला काम हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, बाईं सीमा निकालते हैं। और बाईं सीमा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, बाईं सीमा के लिए फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच, और ए का मतलब वह बिंदु जिस बिंदु पर जांच करनी है। किस बिंदु पर जांच करनी है आपको, वन पर, तो हो जाएगा वन माइनस एच। वन माइनस एच का मतलब हो गया वन से छोटा, लेस देन वन, एक से कुछ छोटा, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों नहीं हो पर है तो छोटा ना। तो वन माइनस एच का मतलब हो गया एक से छोटा, और एक से छोटा फंक्शन किस रूल को फॉलो कर रहा है, ये कह रहा है कि एक्स की इमेज एक्स के स्क्वायर में एक जोड़ने पर आएगी। तो वन माइनस एच की इमेज कितनी आ जाएगी, जब एक्स की इमेज एक्स के स्क्वायर में एक जोड़ने पर आ रही है, तो 1 माइनस एच की उसी फंक्शन के अधीन इमेज कितनी आ जाएगी, 1 माइनस एच के होल स्क्वायर में एक जोड़ने पर आ जाएगी। इसको सरल कर लीजिए, जैसे ही आप इसको सरल करोगे तो ये बनेगा लिमिट एच टेंस टू जीरो 2 माइनस 2h प्लस एच स्क्वायर। अब h के स्थान पर 0 सब्सटीट्यूट कर दीजिए, जैसे ही आप h की जगह 0 सब्सटीट्यूट करोगे तो 2 आएगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 2 आ रही है, 2 फाइनाइट वैल्यू है, 2 यूनिक वैल्यू है, 2 मान तो नहीं आया ना, मतलब आया तो 2 पर 2 अलग अलग मान तो नहीं आया ना, एक ही मान आया बस वो आया 2। ठीक है, इसका मतलब ये भैया जी कैसा हो गया, ये फाइनाइट हो गया, और ये कैसा भी हो गया, ये यूनिक भी हो गया। इसका फाइनाइट और यूनिक होना ये रिप्रेजेंट करता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट करती है। अब बात करें अपन किसकी, अब बात करते हैं अपन राइट हैंड लिमिट की। सेकंड नंबर पे हम राइट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे। राइट हैंड लिमिट के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ में अब वन प्लस एच रख देंगे। एफ में कितना रख देंगे अपन, वन प्लस एच रख देंगे। वन प्लस एच का मतलब हो गया एक से कुछ बड़ा, चाहे कितना सा भी बड़ा क्यों नहीं हो पर है तो बड़ा ना, तो बड़ा है तो फिर ये कौन से वाले रूल को फॉलो करेगा, ये टू माइनस एच रूल को फॉलो करेगा। तो हो जाएगा टू माइनस एक्स की इमेज आ रही है, दो में से एक्स घटा दिया तो वन प्लस एच की इमेज आ जाएगी, दो में से वन प्लस एच घटा देंगे तो आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो टू माइनस वन इज वन माइनस एच, एच की जगह जीरो रख देंगे तो जाएगा वन माइनस जीरो यानी कि वन। मुझे कोई डाउट नहीं है कि वन एक फाइनाइट नंबर होता है, और मुझे इस बात पर भी कोई डाउट नहीं है कि वन एक यूनिक नंबर होता है। तो राइट हैंड लिमिट भी फाइनाइट और यूनिक आ रही है, मतलब राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है। अलग अलग तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है और राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, दोनों सीमाएं अलग अलग तो अस्तित्व में है। लेकिन यहां पर्टिकुलर क्या हुआ कि जो मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट आई थी वो किसके बराबर नहीं आई, राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आई। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि सीमा का अस्तित्व नहीं है। बाईं सीमा का अस्तित्व तो है भैया, बाईं सीमा का अस्तित्व तो है, दाईं सीमा का अस्तित्व भी है, पर सीमा का अस्तित्व नहीं है। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट बिकॉज लिमिट कब एग्जिस्ट कहलाती है, जब दोनों फाइनाइट यूनिक तो आए ही आए, साथ में दोनों आपस में बराबर भी आए। एक लिमिट का मान 2 आ गया, दूसरे लिमिट का मान 1 आ गया, ये दोनों आपस में बराबर नहीं आ रहे हैं, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये तो गया लंबा चौड़ा तरीका।
अब इसको डायरेक्ट भी चेक किया जा सकता था। डायरेक्ट शॉर्ट में कैसे चेक करेंगे अपन? देखो ये पॉलिनोमियल है ना, एक पॉलिनोमियल समझते हो ना, बहुपद। अगर फंक्शन कई सारे भागों में बट रहा है, प्रत्येक हिस्सा एक बहुपद है, प्रत्येक हिस्सा एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल समझते हो ना, एक्स और एक्स की घातें आती है सिर्फ, ठीक है? तो फिर डायरेक्ट रख दिया करो, जिस पॉइंट पर चेक करना है वो डायरेक्ट रख दो। लेस देन वाले में डायरेक्ट रखा तो कितना आया? लेस देन वाले में डायरेक्ट वन रख दिया तो हो गया वन प्लस वन का स्क्वायर, और वन का स्क्वायर हो गया वन, वन में ऐड करते हो गया टू। राइट हैंड साइड वाले में डायरेक्ट रख देंगे तो जाएगा वन माइनस टू माइनस वन, और टू माइनस वन कितना हो गया वन। तो जो राइट हैंड साइड वाले से निकल के आएगा वो तो राइट हैंड लिमिट आएगी वन, और जो लेफ्ट हैंड साइड वाले से निकल के आएगा वो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी टू। ये डायरेक्ट हो गया, एक टू आ रही है एक वन आ रही है, दोनों बराबर नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन ये बात सिर्फ पॉलिनोमियल्स पर लागू है ना। ये जो फंक्शन है ना ये कैसे होने चाहिए? पॉलिनोमियल होना चाहिए, तो डायरेक्ट रख दिया करो। अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो मैं आपको बताऊंगा अलग अलग फंक्शन के हिसाब से अलग अलग नियम होता है। हो गया, मैं ऐसा ही एक प्रश्न आपके लिए और लिख देता हूं। देखो एक प्रश्न में लिखता हूं, आपको डायरेक्ट चेक करके बताना है कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। मैंने क्वेश्चन क्या लिखा है? चेक द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट लिमिट एट x इज इक्वल टू वन। एक्स बराबर वन पर लिमिट के अस्तित्व की क्या कीजिए? जांच कीजिए। फंक्शन क्या दिया है? फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है 5x माइनस 4 और 4x क्यूब माइनस 3x। ये दिया है 0 और 1 के बीच में, इन बिटवीन 0 एंड 1, और अगला दिया है 1 और 2 के बीच, इन बिटवीन 1 एंड। इसकी सीमा के अस्तित्व की जांच करनी है, लिमिट के एग्जिस्टेंस को चेक करना है। तो आप खाली ये देख लो कि ये पॉलिनोमियल है ना, एक्स की घात ही है सिर्फ, और ये भी क्या है, ये भी पॉलिनोमियल है। तो नेचर बदला वो कौन से बिंदु पर बदला? जो नेचर बदला वो एक्स इज इक्वल टू वन पर बदला। तो यहां हम किसकी जांच करेंगे? सीमा के अस्तित्व की जांच करेंगे। तो वन यहां डायरेक्ट रख दो बस। जैसे ही आप वन यहां डायरेक्ट रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, चेक कर लो। वन यहां रखोगे तो बनेगा 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 की वैल्यू हो गई 1, और 1 जब यहां रखोगे तो बनेगा 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 की वैल्यू भी कितनी आ गई 1। चूंकि ये बहुपद थे, पॉलिनोमियल थे, इसलिए मैंने डायरेक्ट रख दिया। आप चाहो तो इसको पूरे को चेक कर लो, रिजल्ट यही आएगा, रिजल्ट अलग नहीं आएगा। आपने क्या देखा? चूंकि ये लेस देन 1 के लिए था ना, इसलिए ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, और चूंकि ये x x ग्रेटर देन 1 के लिए था इसलिए ये कौन सी लिमिट है? ये राइट हैंड लिमिट है। और आपके सामने है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में बराबर आ रही है और यूनिक आ रही है, फाइनाइट आ रही है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि भैया जी इस फंक्शन की लिमिट क्या करती है? एग्जिस्ट करती है, सीमा का अस्तित्व है। और जब सीमा का अस्तित्व हो जाता है ना, तब जितना मान आ रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का, वही मान किसका मान कहलाता है? लिमिट की वैल्यू कहलाती है। लिमिट इज इक्वल टू कितना आएगा? 1 आएगा। पिछले सवाल में भी दोनों फाइनाइट आ रहे थे, एक 1 आया था एक 2 आया था, लेकिन वहां लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी, इसलिए मैंने लिमिट का मान कितना आएगा ये बताया ही नहीं, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तो फिर मैं लिमिट का मान निकालूंगा कहां से। यहां लिमिट एग्जिस्ट कर रही है इसलिए मैंने लिमिट का मान बता दिया कि कितना आएगा। जो फाइनाइट वैल्यू यूनिक वैल्यू आपको मिली वो किसकी वैल्यू होगी? लिमिट की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये आपका दूसरा प्रश्न था, इसको मैंने यहां साथ में इसलिए बता दिया क्योंकि ये पॉलिनोमियल बेस्ड था, इसलिए डायरेक्ट अपन ने कर लिया है। अब अपन चलते हैं अपने वापस अगले प्रश्न पर। चेक द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। एक फंक्शन दिया गया है, व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन, एंड इफ इज एक्स इज इक्वल टू जीरो द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज टू। तो हम नियम कहां बदल रहा है, देखो नियम कहां बदल रहा है, नियम बदल रहा है एक्स बराबर जीरो पर। तो हम सीमा के अस्तित्व की जांच कहां करेंगे? एक्स बराबर जीरो पर हम सीमा के अस्तित्व की जांच करेंगे। तो चलो जी अपन सीमा के अस्तित्व की जांच करते हैं, एक्स बराबर किस पर? एक्स बराबर जीरो पर करें। तो हमारा तो वही काम रहेगा, हम कौन सी लिमिट निकालेंगे? हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच। ए वो बिंदु है जिस बिंदु पर जांच करनी है, वो बिंदु है जिस बिंदु पर नेचर बदल रहा है, और वो बिंदु कौन सा है? जीरो माइनस एच। जीरो में से एच घट गया, इसका मतलब जीरो से छोटा हो गया। जीरो तो नहीं रहा ना, वो जीरो से छोटा हो जाए चाहे जीरो से बड़ा हो जाए, अब वो जीरो तो रहा ही नहीं है ना। तो जीरो माइनस एच का मतलब है नॉट इक्वल टू जीरो।
तो नॉट इक्वल टू जीरो में आप क्या रख दीजिए, ये जीरो माइनस एच रख दीजिए, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो। मैं फंक्शन में मान रख रहा हूँ अभी, मतलब मैं इसका मान निकाल रहा हूँ खाली, तो एक्स की जगह रखेंगे जीरो माइनस एच माइनस मोड ऑफ जीरो माइनस एच डिवाइड बाई जीरो माइनस एच, ठीक है। ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो माइनस एच का मतलब हो गया माइनस एच, ये हो गया माइनस का एच, और माइनस एच का मापांक हो जाएगा प्लस का एच, बट्टे में कौन है, बट्टे में है माइनस का एच। तो टोटल देख लीजिए कितना बन गया है, ऊपर तो हो गया माइनस का टू एच और नीचे हो गया माइनस का एच, मतलब वैल्यू कितनी आएगी, माइनस एच से माइनस एच कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू बचेगी टू। इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है, इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है फाइनाइट एंड यूनिक, फाइनाइट भी आ रही है और कैसी भी आ रही है, यूनिक भी आ रही है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट करती है। अब बात करें किसकी, अब बात करें राइट हैंड लिमिट की, ठीक है। राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या हो गया, राइट हैंड लिमिट का मतलब हो गया लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन एट जीरो प्लस एच, रख दो कितना आएगा, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो प्लस एच माइनस मोड ऑफ जीरो प्लस एच डिवाइड बाई जीरो प्लस एच। तो ये एच हो गया, एच में से एच घट गया, जब एच में से एच घट ही गया तो ऊपर बन गया जीरो और नीचे कौन है, नीचे है एच। अब बहुत सारे प्रश्न बच्चे यहाँ आके कन्फ्यूज होते हैं, कन्फ्यूजन क्या बनता है कि सर देखो एच भी तो जीरो है ना, तो जीरो बटा जीरो आ गया यहाँ पे, नहीं, लिमिट का सब्स्टिट्यूशन तब करना होता है जब फलन अपनी सरलतम अवस्था में होता है, सिंपलेस्ट स्टेट में आने के बाद ही सोल्व करना है। आप यहाँ भी देखो, यहाँ भी तो ऐसे, तो ये माइनस का टू एच बटे माइनस का एच बन गया था, आपने पहले माइनस एच से माइनस एच कैंसिल आउट किया था, फिर ये टू बन गया था, तो आपने बाई सीमा का मान टू रख दिया था, मतलब पहले फंक्शन को सरल किया, वरना तो यहाँ भी एच रख दो जीरो, जीरो बटे जीरो ही आएगा ये भी। तो सिंपलेस्ट स्टेट में जब कोई फंक्शन अपना आ जाए ना, उसके बाद ये सब्स्टिट्यूशन करना होता है। तो पहले इसको सिंपल करो, पहले इसको सरल बनाओ, लिमिट एच टेंस टू जीरो बाद में रख लेंगे, पहले फंक्शन कितना बन गया है, जीरो बटे एच जीरो बन गया है। तो यहाँ अब राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आएगी, मुझे इस बात में कोई डाउट नहीं है कि ये फाइनाइट और यूनिक आई कि नहीं आई, ये तो 100% फाइनाइट और यूनिक ही है, लेकिन इसके बराबर नहीं है, अलग अलग आ रही है। यहाँ मैंने क्या देखा, यहाँ मैंने देखा कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो बराबर नहीं आई किसके, राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आई। इसका ये सीधा सीधा सा मतलब हो गया कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सीमा का क्या नहीं है, सीमा का अस्तित्व है ही नहीं। जब सीमा का अस्तित्व ही नहीं है तो हम सीमा का मान कितना होगा ऐसी बात भी नहीं करेंगे, ठीक है। हो गया प्रश्न, अब देखते हैं अगला, ये थोड़ा सा अलग प्रकार का प्रश्न है। क्या कह रहा है, देखो लिमिट एक्स टेंस टू टू प्लस, आपको दिख रहा होगा ना, अब आपको जरूर दिख जाएगा, ठीक है। लिमिट एक्स टेंस टू कितना है, लिमिट एक्स टेंस टू है टू प्लस, और यहां जो टू प्लस है ये खुद ही कह रहा है कि केवल राइट हैंड लिमिट निकालनी है, टू प्लस लिख दिया अगले ने साहब साहब, तो राइट हैंड लिमिट निकालनी है खाली। एक फंक्शन दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, उसका क्यूब डिवाइड बाई थ्री माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बाई थ्री और उसका क्यूब, है ना, और इसका आपको केवल राइट हैंड लिमिट निकालनी है। तो राइट हैंड लिमिट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, राइट हैंड लिमिट के लिए फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन की वैल्यू किस पर, टू पर, राइट हैंड लिमिट है इसलिए प्लस एच, ये निकालना है। तो जहां हमें क्या नजर आएगा, जहां हमें नजर आएगा x उसकी जगह पर रख देंगे टू प्लस एच, जैसे x की जगह टू प्लस एच रखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये लिमिट h टेंस टू जीरो, है ना, ये क्या बन गया, टू प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर और उसका क्यूब डिवाइड बाई थ्री माइनस, ये बन जाएगा टू प्लस एच बाई थ्री और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्यूब, ये फंक्शन हो जाएगा। लो चलो आगे चलते हैं, ये बन जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, दो में कोई भी छोटी, एच छोटी सी राशि है, बहुत छोटी धनात्मक संख्या है, मतलब 0.01 मान लीजिए, तो टू में अगर आप ऐड करोगे 0.01 तो 2.01 तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 2,
और 2 का होल क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा, सरल करके बाद में लिख देंगे। माइनस यहां देखना ये क्या बनेगा, ये बन गया 2/3 प्लस एच बाई 3 और इसका हो गया होल क्यूब। ओके कितना बन गया देखना है, टोटल तो गए 8, बट्टे में कितना आ गया, बट्टे में आ गया 3, 2 का क्यूब 8 हो गया ना, 8 बट्टे कितना आ गया, 8 बट्टे 3 आ गया। अब खाली आपको ये देखना कि जो नेक्स्ट टर्म बन रही है वो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, टू बाई थ्री का मतलब होता है 0.66, 2/3 का मतलब कितना होता है 0.667 प्लस एच बाई 3, एच बाई 3 तो बहुत छोटी राशि होती है और इसका भी मुझे क्या निकालना है, इसका भी मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है और बाद में क्यूब करना है, यही तो सवाल है। लिमिट क्या है, लिमिट है h टेंस टू 0, क्या जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 8/3। फंक्शन जब तक अपनी सरलतम अवस्था में नहीं हो तब तक लिमिट नहीं रखनी है। माइनस ये बहुत छोटी धनात्मक संख्या है 0.01, भाग लगाएंगे 3 का तो 0.0033 और 0.06 में तो 0.69 के अप्रोक्सीमेट हो गया, 0.69 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी तो 0 आएगा, 0.69 से ठीक छोटी पूर्णांक संख्या कौन होती है 0, और 0 का क्यूब करेंगे अपन तो 0 का क्यूब भी 0 हो जाएगा, तो फाइनली ये बन गया 8/3 माइनस 0 यानी कि 8/3। ठीक है, ये इसकी कौन सी सीमा आई, ये इसकी राइट हैंड लिमिट आई। आप एक काम करना, होमवर्क आपके लिए, आप इसकी कौन सी लिमिट भी ज्ञात करना, लेफ्ट हैंड लिमिट भी आप ज्ञात करना, इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी वो कितनी आएगी आपको चेक करना है, चेक करके बताना है। ठीक है चलो, यहां इस क्लास में एक बार इतना ही पढ़ते हैं क्योंकि हमने क्या किया है, केवल सीमा के एग्जिस्टेंस की बात करी है। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू और दे देता हूं आपको, उसके बाद अपन आगे बढ़ जाएंगे। इससे आगे की जो अपनी क्लासेज आएंगी उस क्लास में अपन क्या करेंगे, उस क्लास में अपन पढ़ेंगे सीमा ज्ञात करने की विधियां। क्या पढ़ने वाले हैं हम, पढ़ने वाले हैं सीमा को ज्ञात करने की विधियां। अमूमन प्रश्न यहीं से ही आता है, सीमा के अस्तित्व पर प्रश्न तो बहुत कम पूछा जाता है। इन विधियों में सबसे पहली जो विधि होती है उस विधि को अपन क्या कहेंगे, उस विधि को अपन कहेंगे प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, लगभग ना के बराबर चांसेस है इसका प्रश्न आएगा। उसके बाद जो सेकंड विधि है उसको अपन बोलते हैं गुणनखंड विधि, फैक्टर मेथड। गुणनखंड विधि का मतलब क्या हो गया, फैक्टर मेथड। तीसरी जो इसकी विधि निकल के आती है उसको बोलते हैं प्रसार विधि, एक्सपेंशन मेथड। मेथड ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है। अगली जो इसकी विधि निकल के आती है वो है डीएल ओपिटल रूल। इसका पढ़ेंगे अपन, डीएल ओपिटल रूल को पढ़ेंगे। ज्यादातर प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो, और मैं आपको इस पूरे लिमिट के चैप्टर में शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं, है ना, पूरा चैप्टर किससे हो जाएगा, शॉर्ट ट्रिक से हो जाएगा लगभग सभी सवाल, वो कौन सी विधि से करेंगे अपन, मेथड ऑफ एक्सपेंशन से करेंगे। यहाँ एक और विधि है जिसको बोलते हैं सन्निकटन मानों की विधि, मतलब नज़दीक के जो मान होते हैं ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज निकालना, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज की सहायता से अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ विधियाँ हैं, इन विधियों की सहायता से अपन क्या करेंगे, सीमा ज्ञात करना सीखेंगे, लिमिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं उनको अपन आगे की क्लासेज में पढ़ेंगे। तीन क्लासेज में अपने, तीन लेक्चर्स में अपने ये सारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो इस क्लास में अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आगे की क्लासेस के साथ। बाय बाय।